नमस्कार सब सब लोग, मेरा नाम है कुक और आज हम लोग फिर से हमारी पढ़ाई वाली दुनिया में पार्ट 4 या 5 है, 4 है हाँ। और सीजन 2 में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, व्हाट बुक्स एंड रियल्स टेल अस। और हमने पिछले पार्ट्स में यहाँ तक कर लिया था। अच्छा, अभी मेरे पास उसके नोट्स नहीं है। ये दूसरी पीडीएफ है, वो दूसरी पीडीएफ थी। उसके उसके नोट्स आपको वीडियो में दूसरी मिल जाएंगे, जो मैंने ऐसे वही वही कर रहा था ना भाई। तो पिछली वीडियो में मैं ये पूरा टॉपिक नहीं ख़त्म करवा पाया था, लंबी हो रही थी वीडियो। तो आज हम ये वाले पूरा टॉपिक ख़त्म करेंगे। और अगर आप को कोई डाउट आता है सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो अगर हमारा ये जल्दी हो गया तो हम ये टॉपिक भी थोड़ा कर लेंगे। ओके, तो दीज आर प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. अच्छा, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, कुछ पीपल थे जो कंपोज करते थे सारी हिम्स, उनको डिस्क्राइब उनको बताते थे आर्यास, है ना। और उनके जो ओपोनेंट्स थे उनको कहते थे दासास और दसियास। तो मैंने ये पूरा पैरा वापस समझा दिया है फ्रॉम हियर। समटाइम्स पीपल कंपोज हिम्स डिस्क्राइब आर्यास, ठीक है। अब दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड प्रोबेबली। अच्छा ओके, तो इसका मतलब है कुछ, मतलब पहले पॉइंट में लिखा है जो लोग थे वो सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे। और वो प्रोबेबली, पता नहीं है हमें, हमारे ख्याल से वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे अलग अलग, दम दासा एंड द लेमिनंदासी केम टू मीन स्लेव। अब जब आगे टाइम बढ़ा, आगे हुआ सारे चीजें, आगे टाइम जब हुआ लेटर, वो जो टर्म था दासा और दासी वो बना स्लेव। क्या बन गया, अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया कि पहले जो दासा और दासी थे अब उनको बाद में बना दिया एक स्लेव। समझ में आया। अब जो स्लेव्स थे वो वुमेन और मैन दोनों थे, और ज्यादातर में ऑफन हमारे ख्याल से, मतलब ख्याल से नहीं, हाँ, दे वो कैप्चर होते थे वॉर में। और वो ट्रीट होते थे, मतलब समझ रहे हो, ट्रीट है ना, वो ट्रीट होते थे प्रॉपरली, मतलब सॉरी, एज द प्रॉपर्टी
मतलब उनकी प्रॉपर्टी है ऑफ देयर ओनर्स, मतलब उनकी प्रॉपर्टी के लोग हैं ये, मतलब उनकी हम उन जैसे जमीन होती है ना उनकी प्रॉपर्टी, वैसे ही वो लोग उनकी प्रॉपर्टी हैं, भले ही वो उनको जानते ना हो, स्लेव मतलब समझ रहे हो ना, वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाते थे, तो वो उनको ऐसा ट्रीट करते थे जैसे उनकी प्रॉपर्टी है। समझ में आया? हाँ, अब देखो, जो बनाते थे मेक देम टू डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड, मतलब उनको जो काम करना करने देते थे। कल को राजा बनना हो तो जैसे कि राजा बनने दे देंगे। अब जब ऋग्वेद कंपोज हो रहा था नॉर्थ वेस्ट में, जो सब कॉन्टिनेंट था ना, वहां पे कुछ अलग अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, जब ऋग्वेद कंपोज हो रहा था जो नॉर्थ वेस्ट का सब कॉन्टिनेंट था, वहां पे अलग दूसरे कुछ अलग ही डेवलप हो रहा था, कुछ अलग ही डेवलप कर रहे थे वहां पे। अब हम देखेंगे कुछ कुछ वैसी ही चीजें, तो वीडियो नॉर्मल है, तो हाँ अब ना हम इसको यहीं एंड कर देते हैं। हमने ये नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कराऊंगा, ओके, मेरी गारंटी, ओके, हाँ, बाय।